हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी इशूज़ में फंसे हुए हैं, फिर चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, एज एन आपके पर्सन की साइड से कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके पेरेंट्स, इनके दोस्त यार, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन ये जो भी हैं, इनकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा है, आप लोग अलग अलग हो रहे हो। तो अब हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच में करंट में क्या चल रहा है। तो करंट अपडेट देखने की कोशिश करी जा रही है। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि अगर आपको पता है कि आपकी सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी कौन है, आप तभी रीडिंग देखेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो भी इस चैनल पर रीडिंग हो रही है वो डाउट के बेसिस पर नहीं हो रही है। कि आपको पता ही नहीं है, बस आपको शक है कि हाँ हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो डाउट के बेसिस पर रीडिंग नहीं है। अगर आप श्योर है कि हाँ हमारे सिचुएशन में, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है एंड आपको उसके बारे में पता है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे। तो ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक का तो वहाँ पर मैटर ही नहीं करता है। तो देख लेते हैं इन दोनों के बीच में अब करंट में क्या चल रहा है। ठीक है, फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है रीडिंग के दौरान, ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए अपने आप से इस रीडिंग को। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के करंट सिचुएशन के बारे में। बताइए यूनिवर्स, करंट में थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की सिचुएशंस। तो पहला हमारा कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एंड ओवरऑल एनर्जी है द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एनर्जीज डिस्कस करूंगी। यहाँ पर जो मुझे मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज दिखाई दी हैं वो है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की। उसके अलग यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी है। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में मुझे दिखाई दिया है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कुछ लोगों के केस में ये दिखाई दे रही है कि आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है उसके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियाँ हैं, या चाहे ये दूरियाँ कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज, विलेज वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस दिखाई दे रही है। उसके अलग कुछ लोगों के केस में ये जो भी थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन, इन दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बन रही है। थर्ड पार्टी के बारे में अगर बात करें तो ये किस तरह की है, देखो बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत टैलेंटेड है, इंडिपेंडेंट है, कंट्रोलिंग एनर्जीज है, किसी और के ऊपर कंट्रोल करना तो ये जानती है। ये जो भी थर्ड पार्टी है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अपने ऊपर इसे किसी और का कंट्रोल बिल्कुल पसंद नहीं है। सेल्फिश है, अपने मतलब के लिए काम करती है, और जब तक अपना मतलब रहता है, अपना काम होता रहता है, तब तक डेफिनेटली बहुत मीठी बनी रहती है। और जब लगता है कि हाँ यहाँ से जितना मेरा मतलब था वो पूरा हो गया, तो तुरंत उसके बाद पंजा मारने में या फिर नुकसान पहुँचाने में भी देरी नहीं करती है। तो उस किस्म की मुझे ये थर्ड पार्टी दिख रही है। बात करते हैं आपके पर्सन की कि ये किस किस्म के इंसान हैं। देखो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना कहीं किसी पॉइंट पर इस थर्ड पार्टी पर हद से ज़्यादा डिपेंड है, एज एन कि चाहे इमोशनली लेवल पे थर्ड पार्टी पर डिपेंड हो, या फाइनेंशियली लेवल पे डिपेंड हो, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि
जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक अर्न करा है आपके पार्टनर ने, वो सभी इस थर्ड पार्टी की वजह से करा है, भले आपको उस चीज़ का पता हो या ना पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कुछ लोगों के केस में अगर पेरेंट्स ही हैं ये थर्ड पार्टी, तो ऑब्वियसली उनकी वजह से, उनकी बदौलत से ही इन्होंने स्टडी करी है, कुछ करा है इन्होंने अपनी लाइफ में, तो इस तरह से आपको लेकर चलना है ये बात को। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन ने जो भी अपनी लाइफ में अर्न करा है या जिस किसी ना किसी चीज़ को लेकर ये थर्ड पार्टी पर डिपेंड है हद से ज़्यादा। उसके अलग अब हमारा सवाल यहाँ पर ये आता है कि अब करंट में दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देखो करंट में ना दोनों के बीच में बहुत लेन देन चल रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, जैसे बहुत हिसाब किताब चल रहा हो कि भाई तुमने मेरे लिए क्या करा, मैंने तुम्हारे लिए क्या करा, तो उस तरह का लेन देन, उस तरह का हिसाब किताब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इवन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं काफ़ी क्लियरली कि ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को बार बार इस चीज़ का रियलाइज़ डेफिनेटली करा रही है कि आपके पार्टनर को उसके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, या आपके पार्टनर को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस थर्ड पार्टी को उन पर प्राउड फील हो। तो थर्ड पार्टी कुछ ऐसे आपके पर्सन को ना मैन्युपुलेटिवली वे में अपनी तरफ खींचते हुए मुझे दिखाई दे रही है, एज एन जैसे कि दोनों ही सूरतों में वो ये दिखाना चाह रही हो या ये जताना चाह रही हो कि भाई देखो हम दोनों एक ही गाड़ी के तो पहिए हैं, अगर हम दोनों को इस गाड़ी को चलाना है तो कहीं ना कहीं हम दोनों को एक दूसरे पर प्राउड फील होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू को समझना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारी लाइफ में क्या हूँ और तुम मेरी लाइफ में क्या हो। यानी कि यहाँ पर यही चीज़ है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा लेन देन में इस वक्त में बिलीव कर रही है कि देखो मैंने तुम्हें इतना दिया और बदले में मैं तुमसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा या कर रही, तो उस तरह का यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है इस थर्ड पार्टी के माध्यम से। ओवरऑल वो आपके पार्टनर का जो पैशन है ना वो अपनी तरफ लगातार खींचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि आपके पार्टनर का यहाँ पे मुझे इससे जो अटैचमेंट है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या ये जाना चाह रहे हैं या इससे थोड़ा सा डिटैचमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी पूरी कोशिश में है कि इनका जो पैशन है वो ये थर्ड पार्टी ही बनकर रहे, ठीक है, या ये जो जा रहे हैं तो ये जाए ना वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि इन्हें ये थर्ड पार्टी ये समझा रही है कि इसकी क्या वैल्यू, क्या इम्पोर्टेंस है आपके पर्सन की लाइफ में, और वो यही कोशिश में है, उसका हर एक एक्शन आपके पर्सन के पैशन को, आपके पार्टनर के हर एक पैशन को अपनी तरफ खींचने के ऊपर ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। एज एन की पूरी निगाहें इस थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के ऊपर है कि भाई ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा या हो रही, किसी और की तरफ देख तो नहीं रहा, किसी और के लिए पैशनेट हो तो नहीं रहा या रही, या कहीं और तो इसने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का ये मानना है आपके पार्टनर को लेकर कि भाई देखो ये मेरी FD है, ठीक है, और मेरी FD मैं ही यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसे भुनवाऊँगा, तो उस तरह की सोच है इस थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर को लेकर, और ऑब्वियसली अपनी FD को लेकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा वरी हो रही है करंट में, और पूरी निगाहें, पूरा अटेंशन इसने आपके पर्सन के ऊपर लगा रखा है। बात करें आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर का देखो ध्यान पूरी तरह से ना तो इस थर्ड पार्टी पर है और ना कहीं और है। आपके पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें ये खुद नहीं समझ पा रहे कि मेरा पैशन अब क्या है या मैं कहाँ पर अपने फोकस को लगाऊं। मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हैं ये, अपने वर्क पर, अपनी स्टडी पर, अपने पैंटिकल्स पर कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपना पैशन ना इन सब चीज़ों से हटाकर आपके पार्टनर कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है इस पैशन के लिए पर्सन किसी इस तरह के थॉट्स भी बना रहे हों या प्लानिंग्स भी कर रहे हो कि भाई मुझे अब अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को मुझे बदलना है, तो आपके पार्टनर का फोकस अगर आप नहीं हो आपके हिसाब से तो ये थर्ड पार्टी भी नहीं बनी हुई, लेकिन थर्ड पार्टी का अटेंशन आपके पर्सन के ऊपर अभी भी पूरी तरह से बना हुआ है, वो बार बार आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ करा रही है थर्ड पार्टी की मैं कौन हूँ तुम्हारी लाइफ में, मेरी क्या जगह है तुम्हारी लाइफ में, तो कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में अभी करंट में हो रहा है। और देखते हैं टैरो से ही,
गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए। इस मामले में थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स आपका रिवर्स्ड में आया है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपके लिए नंबर वन यानी कि जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों के केस में ये जो थर्ड पार्टी है वो जनवरी बॉर्न हो, या एक साल से इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आप लोगों के बीच में चल रहा है, या आपके पर्सन की लाइफ में इसका ज़्यादा इंटरफेयर जो चल रहा है वो एक साल से चल रहा है या जनवरी मंथ से चल रहा है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर बनते हुए काफ़ी क्लियरली दिख रही है। देखो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है ना आप लोगों के केस में, डेफिनेटली वो जानती है कि आपके पार्टनर को कैसे अपनी बातों में लिया जा सकता है, कैसे उन्हें कंट्रोल में लिया जा सकता है। और ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली वही चीज़ें कर रही है। बाहरी तौर पर आपके पार्टनर को यही दिखाया जा रहा है इस थर्ड पार्टी के माध्यम से कि ये इनके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है, ये इनके साथ वही कर रही है जो ये एक्सपेक्ट करती है, जो ये डिज़र्व करती है, और जो भी कर रही है इनफैक्ट वो चीज़ें बहुत हेल्दी वे में कर रही है। यानी कि इसके पीछे इसका कोई ख़राब इंटेंशन नहीं है, कोई गलत इंटेंशन इसका नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने अपनी जो प्रेजेंटेशन दे रही है वो इसी तरह से दे रही है कि भाई देखो मेरा तुम्हारे ऊपर जितना जोर है मैं उतना ही रख रहा हूँ या रख रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर बैक के पीछे ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ डेफिनेटली बहुत मैन्युपुलेटिवली गेम खेल रही है, जैसे जोर जबरदस्ती वाला ही काम हो रहा है, जैसे कह सकते हो कि जोर जबरदस्ती से गले पड़ी है तो वो ही हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन के सामने ये यही प्रेजेंट कर रही है कि नहीं, मेरी साइड से कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं हो रही है, मैं जो डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, जो मैंने दिया है तुम्हें बदले में, मैं बस उतनी उम्मीद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इतना रोल यहाँ पर थर्ड पार्टी का आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। अब बात करें आपके पार्टनर की कि इनका क्या रोल चल रहा है। देखो आपके पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है इस थर्ड पार्टी को लेकर, जितनी शायद आपको भी क्लियरिटी हो गई होगी उतनी आपके पार्टनर को क्लियरिटी नहीं है। और आपके पर्सन ना यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इन्हें बोल रही है मैन्युपुलेटिव वे में जो बोल रही है, ये बस उस पर बिलीव कर रहे हैं, या ये कह सकते हो जैसे उसकी हाँ में बस हाँ मिला रहे हो, चाहे वो सही बोल रही है या गलत बोल रही है, बस क्योंकि इन्हें किसी भी तरह की क्लियरिटी नहीं है। या ये कह सकते हो कि आपके पर्सन ने जैसे दुनिया नहीं देखी है, ये बिल्कुल अनजान है कि किस तरह के लोग भी हो सकते हैं। फिर ये थर्ड पार्टी तो यहाँ पर इनकी कोई अपनी है, ठीक है, तो ये पर्सन उसी की आंखों से दुनिया देख रहे हैं और उसी की दी हुई क्लियरिटी पर भरोसा कर रहे हैं। कड़वा सच ज़रूर है लेकिन करंट में हो यही रहा है यहाँ पर। तो आपके पर्सन यहाँ पर ना आपसे भी वो क्लियरिटी नहीं ले रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने उस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रखा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के चारों तरफ तो सिर्फ काले बादल छाए हुए हैं, और ये काले बादल जो आए हैं वो आए इस थर्ड पार्टी के माध्यम से ही हैं कि ये किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है। ये जो भी करेगी आपके पर्सन की लाइफ में वो हेल्दी वे में ही करेगी, इनके अच्छे के लिए ही करेगी। तो कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने मामले में अब करंट में दे रही है, ठीक है। एस ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कीजिए बताइए। इस मामले में थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की सिचुएशन। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका टू ऑफ कप्स। कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं क्योंकि आपके पर्सन का जो पैशन है ना वो थर्ड पार्टी नहीं है, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज़ें आपके पर्सन करंट में मानते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जब ये चीज़ें देख रही है कि आपके पार्टनर अभी भी आपके लिए इमोशनल हैं, अभी भी आपके लिए इनके दिल में वही भर भर के फीलिंग्स हैं, या अभी भी ये आपको ही बार बार देखते हैं, आपको ही देख
देखना चाह रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर उन सभी चीज़ों के मामले में निगाहें रख रही है कि इनका फोकस आपकी तरफ अब है या नहीं है, है तो किस वे में है, गुस्से में है, नाराज़गी में है या वापस से आने में है। तो इन सभी चीज़ों के मामले में ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर डेफिनेटली निगाहें बनाए हुए है। आपके पार्टनर और आपके बीच में ये जो दरारें आई हुई हैं उसकी सिंपल सी वजह ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रही थी और ये जो दरारें हैं, ये जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आई है, उसकी वजह इस थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी ही है। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों की लाइफ में कह सकते हो या आपके पर्सन की लाइफ में इनके इर्द गिर्द नेगेटिविटी को फैलाना इस वक्त में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आप में से काफ़ी लोग तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस में हो, तो इस थर्ड पार्टी का जितना भी रोल चल रहा है ना, जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है, डेफिनेटली उस चीज़ का असर नहीं होगा, मतलब आप दोनों को मिलने से अल्टीमेटली कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर हैं क्योंकि पैशन आप हो, इमोशनली अटैच्ड आपसे हैं, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर निगाहें भी इसीलिए बनाए हुए हैं क्योंकि आप ही इस पर्सन का पैशन हो, आप ही इस पर्सन की यादों में हो और वो चीज़ें ये थर्ड पार्टी देख नहीं पा रही है, इसीलिए ये अपनी तरफ से जितनी इससे नेगेटिविटी फैलाई जा रही है या जितनी ये निगाहें रख पा रही है ना आपके पार्टनर के ऊपर, वो ये अब करंट में रख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट सिचुएशन क्या है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए। यूनिवर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका सेवन ऑफ वैंड्स, नंबर सेवन आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका जुलाई मंथ। हो सकता है आप दोनों का जो भी रिश्ता है उसको टोटल 7 ईयर्स हो गए हो या 7 साल का रिश्ता था, 7 महीने से आप लोग अलग अलग हुए हो, तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ्स को लेकर चलना है। मंथ यानी कि जुलाई मंथ, इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, इस थर्ड पार्टी का बर्थ मंथ या जुलाई मंथ में इस थर्ड पार्टी का इंटरफेयर आप लोगों के कनेक्शन के बीच में आया था, तो ऐसे करके आपको लेकर चलना होता है। लेकिन ज़बरदस्ती ऑब्वियसली आपको कुछ भी नहीं करनी है, इवन रीडिंग से भी आपको ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली जो भी आप लोगों के बीच में गलत फहमियाँ आई हैं, जो भी मन मुटाव हुए हैं, उन सभी चीज़ों को ना लेट गो करना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी दीवारें इन्होंने खड़ी कर रखी हैं या इस थर्ड पार्टी ने इवन खड़ी कर रखी हों, तो ये उन्हें गिराकर डेफिनेटली उन सभी चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना तो चाह रहे हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी यहाँ पर अपनी नाक घुसाए पड़ी है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा इन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं, उतना थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जंजीरों में बांध रही है, यानी कि जैसे पुरानी बातों को ज़बरदस्ती उखाड़ा जा रहा है, पुरानी नेगेटिविटी को ज़बरदस्ती उखाड़ा जा रहा है, तो कुछ इस तरह का रोल इस थर्ड पार्टी का आप दोनों के कनेक्शन के बीच में चल रहा है। यानी कि ओवरऑल थर्ड पार्टी अपना पूरा गेम प्लॉट कर रही है, पूरा गेम खेल रही है और कहीं ना कहीं उस चीज़ में किसी पॉइंट पर कामयाब भी हो रही है, ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखी हैं। एज इन यहाँ पर ये चीज़ है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के मन में बार बार इस चीज़ को डाल रही है कि देखो गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी है, या आपको रिग्रेट फील होना चाहिए या आपको वहाँ पर सॉरी फील होना चाहिए। तो उस तरह से यहाँ पर बहुत मैन्युपुलेटिवली वे में इस थर्ड पार्टी के थ्रू वर्क करा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब जानती है, ठीक है, सेल्फिश है कैट की तरह। तो ऑब्वियसली कैट किसी की नहीं होती है, आप उसे उसके लिए कितना भी कर लो ना, अल्टीमेटली वो पंजा मार ही देती है। तो उसी तरह से ये थर्ड पार्टी का इस वक्त में रोल चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए, इस मामले में दोनों के बीच में करंट में अब क्या हो रहा है, गाइड कीजिए बताइए। एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका द मैजिशियन, दोनों ही रिवर्स्ड में एनर्जीज आई हैं।
नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो यहाँ पर आपकी पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर इस एनर्जी में है, यानी कि पूरी तरह से स्टक, पूरी तरह से हेल्पलेस, पूरी तरह से लाचार, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी के पास जितनी भी पावर है ये अपनी पावर का बहुत मैन्युपुलेटिवली वे में बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है ताकि ये आपके पार्टनर को स्टक कर सके, अपने साथ ही बनाए रखे। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा बहुत हिसाब किताब इन दोनों के बीच में चल रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना करा और तुमने मेरे लिए कितना करा, तो वो इसीलिए हिसाब किताब चल रहा है दोनों के बीच में ताकि ये आपके पार्टनर को ना एक गिल्ट के तले इतना दबा दे कि आपके पार्टनर बस इसी के बनकर रहें या इसी के साथ बस स्टक होकर रहें। तो कुछ ऐसा दोनों के बीच में चल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ इवन यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा झूठे सच्चे ट्रेडिशंस भी बना रही हो, जैसे कि मतलब ऐसे है नहीं लेकिन ये अपनी लाइफ अपने आप से बना रही है कि हमारे ऐसे होता है, हमारे वैसे होता है, तुम्हें उन्हें फॉलो करना है, तुम्हें उसी हिसाब से चलना है, उन्हीं को देखना है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर रोल प्ले हो रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू और आपके पर्सन ना डेफिनेटली उसके तले बस दबते जा रहे हैं, उसके तले बस स्टक होते जा रहे हैं। वो चीज़ें इवन आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा दर्द दे रही हैं, इतनी एंजाइटी दे रही हैं और आपके पार्टनर ये तो नहीं समझ पा रहे ये सब रोल प्ले किसके थ्रू हो रहा है, लेकिन हाँ ये अपना फोकस अपनी स्टडी पर, कैरियर पर या नए अपॉर्चुनिटीज़ पर लगाने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए बताइए। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ बैंड्स। देखो आपके पर्सन ना सुकून भरी जिंदगी भी सो नहीं पा रहे हैं, मतलब एक होता है कि इंसान बहुत सुकून से सो पाए और इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि मैं जब इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा या दूंगी, इमोशंस को, अटैचमेंट को, जब मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूंगा या दूंगी या ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस बर्डन को जब मैं उतार दूंगा या दूंगी तो डेफिनेटली उसके बाद मैं सुकून भरी नींद ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में, करंट में चलती तो हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियाँ ही देती जा रही है, उससे अलग और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली ना थर्ड पार्टी के लिए अब जो भी कर रहे हैं वो मजबूरी में आकर जिम्मेदारियों को उठाने की वजह से कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए बताइए इस मामले में, दोनों के बीच में करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए बताइए। टेन ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन के लिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लिए जो दिल के दरवाजे हैं वो कब के बंद हो गए हैं, ये चीज़ें आपके पर्सन फील करते हैं। जितना थर्ड पार्टी समझा रही है, अपनी वैल्यू समझा रही है, उतना आपके पर्सन समझ पाए हैं कि हाँ ये इसके लिए अब कुछ फीलिंग्स नहीं रखते, बस जिम्मेदारियाँ इन्हें निभानी हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि आपके पार्टनर ये भी समझ रहे हैं कि देखो इस थर्ड पार्टी की वजह से ना आप दोनों का जो भी कनेक्शन था, जो भी परिवार था, उस परिवार के दरवाजे जो बंद हुए हैं वो भी उसकी भी वजह ये थर्ड पार्टी है। तो आपके पार्टनर के मन में ना थर्ड पार्टी को लेकर एक कड़वाहट तो है, लेकिन आपके पर्सन उस कड़वाहट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बात इस थर्ड पार्टी की कहो तो थर्ड पार्टी भी जानती है कि हाँ इसकी वजह से आपके पार्टनर के जो सपनों के दरवाजे थे या आपके जो सपनों के दरवाजे थे वो बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करना है, यानी कि उसे सिर्फ अपनी वैल्यू को बनाए रखना है आपके पर्सन के लिए के सामने, और वो बस उसको उसी से ही मतलब है, उसे और किसी से मतलब नहीं है करंट में तो स्पेशली। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। सवाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनता है कि चलो ठीक है ये सब चीज़ें हैं अब करंट में चल रही हैं, क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में से जाएगी या इसका ये जो रोल है वो कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ें देख लेते हैं दूसरे डेक से, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में दिखाई दी है या अभी तक तो इसकी बात मानी जा रही है, चाहे मजबूरियों के तले दबकर हो या वैसे ही क्यों ना हो।
गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, और एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस थर्ड पार्टी का रोल ख़त्म होगा या नहीं, गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है टू ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पर ये भी मैंने आपको यही बताया था टू ऑफ कप्स की एनर्जीज कि आपके रीयूनियन को कोई भी नहीं रोक सकता, और वही चीज़ें यहाँ पर आई हैं। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड डेफिनेटली येस को डिनोट करता है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में जाएगी और इवन यहाँ पर आप दोनों वापस से रीयूनाइट भी होगे। लेकिन यहाँ पर समय का सारा खेल चल रहा है थर्ड पार्टी का, अभी तो यहाँ पर रोल प्ले हो ही रहा है लेकिन अल्टीमेटली इसका रोल यहाँ पर एंड भी होगा, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब बात आती है भाई कि कैसे होगा, ये होगा वो होगा, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी साइड से भरोसा बनाए रखना होगा और ये नहीं सोचना होगा कि भाई कैसे होगा, क्योंकि जहाँ पर बात कैसे की आती है, जब आप कैसे सोचने लगते हो ना तो आप अपने मन में डर डाउट्स ये सब क्रिएट करने लगते हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी कंफ्यूजन को आपको नहीं पालना है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो डिलेज को ही अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे, लेकिन अगर आप ये चीज़ों से बाहर निकलते हो तो इस थर्ड पार्टी का आपकी ज़िंदगी से जाना भी पूरी तरह से बनता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है कि ये जो कमिंग फरवरी मंथ है ना, उसमें आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें मूव करें, यानी कि कुछ हेल्दी शुरुआत होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। और कुछ लोगों के केस में जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 2 महीने बाद की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है इस थर्ड पार्टी के जाने की या आप दोनों के मिलने की, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिखाई दी हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग थर्ड पार्टी अपडेट कि दोनों के बीच में अभी करंट में क्या हो रहा है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय बाय।